सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल हाइफा स्टडी पे। दोस्तों आज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण शब्द रूप यानी दो शब्द रूप मैं आप सभी को बताऊंगा जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। उनमें से कोई भी पूछ लिया जाता है कि इसकी तृतीया विभक्ति बताइए, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे, ठीक है, वो कुछ शब्द रूप ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो वो दो शब्द रूप मैं आप सभी को बताऊंगा। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने वेद होते हैं, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए संज्ञा क्या होती है कि जिससे किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, ठीक है, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, कौन कौन से, जैसे एरावत, महात्मा गांधी, यानी प्राणियों के नाम होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। नरेंद्र मोदी हो गए, और सिंह हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, काकरोच हो गया, मच्छर आदि, यानी किसी भी नाम, वो प्राणियों के नाम होने चाहिए, तो वो क्या हो गई हमारी संज्ञा हो गई। वस्तुओं के नाम क्या होगा, जैसे मेज, कलम, किताब, कमीज, आलमारी, पंखा, कालीन, साइकिल, रेडियो इत्यादि, ठीक है। और जो हमारा तीसरा नंबर हो गया स्थानों के नाम, जैसे दिल्ली, हरिद्वार, शिमला, बनारस, जालंधर, पाकिस्तान, हिमालय, गंगा, गागोदरी, सॉरी गोदावरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएंगे हमारे स्थानों के नाम, तो ये हो गए हमारे स्थानों के नाम, ठीक है, तो ये हो जाएंगे। चौथा हमारा हो जाएगा कि भावों के नाम, यानी बुराई, बुढ़ापा, मिठास, प्रेम, घृणा, लड़ाई, क्रोध, शांति, ईर्ष्या इत्यादि, या फिर आदि, तो ये हो जाएंगे हमारे संज्ञा। अब देखिए संज्ञा के भेद क्या होता है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक देख लीजिए, व्यक्तिवाचक क्या होती है, तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के भाव का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सरदार पटेल, पहाड़, जेल आदि। दूसरा हो जाएगा हमारा जो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, वो हो जाएगी कि जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे पुरुष हो गया, गेंद हो गया, घर हो गया, आदि हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जातिवाचक, यहाँ पर जाति बताई जा रही है, ठीक है। पुरुष क्या है, जाति बताई, पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लिया जा रहा, पुरुष बताया जा रहा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक प्रकार की जाति, पुरुष जाति हो गई, गेंद हो गया, घर हो गया, ठीक है, ये तो जाति हो जाएगा, हो गया। अगला हो जाएगा हमारा भाववाचक। भाववाचक में क्या होगा कि जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, लड़ाई, बुढ़ापा, ये क्या करते हैं, भाव प्रकट करते हैं, ठीक है। किस स्वभाव या भाव, ठीक है, कहते हैं किस स्वभाव का आदमी है वो, ठीक है, कौन से भाव का आदमी है वो, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। उसके बाद बताया गया है अभी यह कि कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा शब्द के दो भेद बताए हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, समुदायवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी हमारी, समुदायवाचक हो जाएगी कि जिन संज्ञा शब्द से व्यक्तियों वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दल आदि। और जो हमारा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, वो हो जाएगा जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पद आदि पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला, लोहा आदि, ठीक है। ये हो गया हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। और अगला हमारा जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि क्या होती है। भाववाचक संज्ञा बनाने की निम्नलिखित प्रकार से बनाई जा सकती है भाववाचक संज्ञा, कौन कौन से, एक तो होगा हमारा जातिवाचक से, ठीक है। जातिवाचक से कैसे बना सकते हैं कि शत्रु और ता मिला देंगे उसमें शत्रुता हो जाएगी, मनुष्य में ता मिला देंगे मनुष्यता हो जाएगी, और मित्र में ता मिला देंगे मित्रता हो जाएगी, ईमानदार ई मिला देंगे ईमानदारी हो जाएगी, पहरेदार में ई मिला देंगे पहरेदारी हो जाएगी, दुकानदार में ई मिला देंगे दुकानदारी हो जाएगी। तो विशेषण में इसी प्रकार हो जाएगा, उदार में ता मिला देंगे उदारता हो जाएगा, सुंदरता में ता मिला देंगे सुंदरता हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा था क्रियाशय। क्रियाशय कैसे हो जाएगा, रोना में अगर ई मिला देंगे तो रुलाई हो जाएगी, ठीक है, और मीठा में अगर ई मिला देंगे तो मिठाई हो जाएगी, उतरना में ई मिला देंगे तो उतराई हो जाएगी, बूढ़ा में पा मिला देंगे तो बुढ़ापा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हो जाएगी हमारी क्रिया। अगला जो हमारा आता है वो ये आता है प्रश्न कि संस्कृत में लिंगों एवं वचनों की संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, सभी में कम से कम तीन उदाहरण दीजिए, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया ये। और इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग की परिभाषा दीजिए,
संस्कृत में लिंगों के भेद को उदाहरण सहित लिखिए, ये इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो जो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि लिंग एवं वचन प्रयोग अभ्यास क्या हो जाएगा कि वाक्य में संज्ञा शब्दों का प्रयोग हम बोलते एवं लिखते समय करते हैं। इन प्रयुक्त संज्ञा शब्दों के रूप में परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़की खिल रही है, ठीक है, लड़की खिल है, लड़का खेल रहा है। और यहाँ पर हो जाएगा कि लड़के को यहाँ से भगाओ, इन चार वाक्यों में लड़का शब्द चार रूपों में, ठीक है, लड़का शब्द चार रूपों में प्रयोग हुआ है। लड़का शब्द क्या हो जाएगा हमारा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला हो जाएगा हमारा संज्ञाओं में लिंग वचन और कारक के कारण विकार होता है। जैसे घोड़ा शब्द के रूप घोड़ा, घोड़े, घोड़ों आदि वचन और कारक के कारण बनते हैं। लिंग परिवर्तन करने पर घोड़ा, घोड़ियाँ आदि हो जाते हैं। इसी तरह मैं, मैंने, हम और हमने आदि भी वचन व कारकों के कारण ही बनते हैं, ठीक है। यानी मैं, मैंने, हम और हमने ये सभी किस पे बनते हैं, वचन और कारकों के कारण ही बनते हैं। अतः यहाँ हम संस्कृत भाषा में लिंग, वचन और कारक आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला हो जाएगा हमारा क्या, लिंग। परिभाषा क्या हो जाएगी, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को अलग, शब्दों की अलग अलग सूची बनाइए। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हिमालय, सागरा, राजन, गंगा, नदी और वधु, फलम, पुस्तकम और सौंदर्य। तो हिमालय का, हिमालय किस में हो जाएगा, पुल्लिंग में हो जाएगा, यानी हिमालय, ठीक है। इसमें कभी ये तो रखते नहीं कि हाँ हिमालय खड़ी है, हिमालय का पर्वत, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हिमालय किस में हो जाएगा, पुल्लिंग में हो जाएगा, और सागर, ठीक है। कभी क्या कहते हैं, ये तो कहते नहीं ना कि जो सागर का भंडार है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, सागर का बहुत बड़ा भंडार है पानी का, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा भंडार है, तो यहाँ पर इस वजह से सागर क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग हो जाएगा। राजन भी हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्री में क्या हो जाएगा, गंगा। कभी ये तो कहते नहीं कि गंगा पुरुष के नाम से, गंगा माता के नाम से, ठीक है, गंगा मैया के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। और नदी हमारी भी, नदी बह रही है, नदी बहता है, ऐसा तो कहते नहीं ना, नदी बहती है, ठीक है। और वधु तो हमारा सब स्त्रीलिंग है ही। नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, जो बचेंगे हमारे फलम, पुस्तकम और सौंदर्यम, ये हमारे हो जाएंगे नपुंसकलिंग, ठीक है। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। 2015 में पूछा गया, तो वाच शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग और आपको पुल्लिंग और नपुंसकलिंग छांटना हो तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप छांट लीजिए आराम से। अब वाक्य का प्रयोग करके देखिए वहाँ पर, ठीक है। जैसा कि गंगा आ गया, नदी आ गया, ठीक है, तो नदी बहता है ऐसा कोई नहीं कहता ना, नदी बहती है, यानी अपने वाक्यों से आप उसकी, उसको एक लाइन में सेट करके देखिए, ठीक है, कि क्या निकल रहा है, तो उसी हिसाब से आप सभी को पता भी चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है कि राजन, ठीक है, जैसे हम कहते हैं राजा। यहाँ पर राजा से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस वजह से आप लोग राजा का विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। राजा, राजानो, राजाना, राजानाम, राजानो, राज्ञा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि आप सभी को अगर ये याद कर लोगे तो आप सभी के पक्का एक ना एक नंबर पक्का है, कन्फर्म है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि राजा और एक आप लोग याद कर लेना, वो मैंने इसमें अभी PDF में नहीं दिया है, वो आप लोग याद करना बालका का, ठीक है, बालका का जरूर याद कर लेना, ठीक है। अभी एक और बताऊंगा उसको भी याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि राजा, अब देखिए यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इसको याद करने की कोई ट्रिक बता दीजिए। देखिए ट्रिक कोई नहीं है, अगर आप ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तब आप भूल जाएंगे, ठीक है। अगर इसको आप ट्रिक के माध्यम से, देखिए मैथ में होता है ट्रिक, सोशल साइंस में होता है ट्रिक, ठीक है, GS में होता है ट्रिक, रीजनिंग में ट्रिक होता है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में कोई ट्रिक नहीं होती मेरे भाई। अगर आप इसको याद करने के ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे कि भाई हाँ राजा हो गया तो इसकी ट्रिक को यहाँ से बनाते हैं कि तीसरे नंबर पे ये वैसे ही दिखे या वैसे ही हो जाए, ठीक है। तो अगर आप ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तब आप इसको भूल जाएंगे। इसको आप एक हिसाब से एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे दोस्तों, ठीक है, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। आप सभी को करना क्या है, प्रथमा, द्वितीया, विभक्ति सेम तरीके से होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसा कि देख लीजिए द्विवचन में क्या है, राजानो, ठीक है, दोनों में राजानो राजानो है और राजा राजनम है, ठीक है, और राजाना राजा है। तो यहाँ पर दो आप ऐसे याद करिए, प्रथमा द्वितीया याद कर लीजिए और तृतीया से ले करके और षष्ठी तक याद कर लीजिए, ये आपको सेम दिखाई देंगे,
प्रथमा द्वितीया सेम दिखाई देंगे और तृतीया और षष्ठी लेकर के ये चार लाइनें आप सभी को सेम दिखाई देगी। क्यों क्यों दिखाई देंगी? यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जो तीन दिए गए हैं ये सेम तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस वजह से आपको जल्दी याद हो जाएगा। और जो सप्तमी षष्ठी और संबोधन है, संबोधन तो आपको याद ही हो जाएगा कि हे राजना हे राजनो हे राजना, और जो हमारा षष्ठी और सप्तमी ही इसको आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है। अगर इस ट्रिक से आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन आप अगर कोई भी ट्रिक फॉलो करेंगे हाँ भाई ये याद करेंगे ये ऐसे याद करेंगे तो अब आपको नहीं याद होगी। जो ये है मैं बता रहा हूँ इसको अगर आप लोग समझ के याद करेंगे, ठीक है, तो ये जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप समझ के याद करेंगे तो ज़िंदगी भर आप सभी को ये याद रहेगा। अगला आता है हमारा सरिता, सरित, ठीक है। सरित क्या होती है? नदी होती है, ठीक है। यहाँ पर भी आप सभी को वैसे ही याद करना है। देखिए सरिता एक समान दिया गया है, सरिताभ्याम एक समान दिया गया है और सर्द भी एक समान दिया गया है, सर्दभ्या एक समान दिया गया दो, ठीक है। सरिताओं एक समान दिया गया है, सरिता भी यहाँ पर एक समान दिया गया है, यानी यहाँ पर कुछ ऐसे हैं शब्द ऐसे हैं जो एक समान दिए गए हैं। तो इस प्रकार से अगर आप सभी लोग याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। सरिता का याद कर लेना और आपको जो मैंने अभी बताया ऊपर राजा का याद कर लेना और बाल का याद कर लेना, इसमें से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इनको कंप्लीट कर लिए और दो और याद कर लीजिए अपने हिसाब से जो आपको जल्दी याद हो जाए, ठीक है। इन इतने याद कर लीजिए बस, तीन मैं आप सभी को बताया हूँ, बालका सरिता और राजा, तीन आप लोग याद कर लीजिए और जो बाकी दो आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए कि कौन से आपको याद हो रहे हैं जल्दी। पांच याद कर लीजिए, पांच बहुत है आप सभी के लिए, ठीक है। पांच में से कोई कोई आएगा ज़रूर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, अब यहाँ पर देखिए जो लगातार पूछे गए क्वेश्चन है कि एतत् नपुंसक लिंगम लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए, 2015 में पूछा गया, तो एतानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एतानि हो जाएगा एतद का। अगला क्वेश्चन है कि चाहिए के योग में किस लकार का प्रयोग किया जाता है, तो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, विधिलिंग का पूछा गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि विधिलिंग लकार हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है, 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो लेट लकार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेट लकार का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भू धातु का रूप लेट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए, ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। भविष्य भविष्यति भविष्यथा भविष्यन्ति, भविष्य भविष्यथा भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः, ठीक है। ये इस तरह हो जाएगा, आप सभी को याद करने के लिए आ जाएगा कि भू धातु का रूप लिट लगार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए। अगला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये भी 2016 में पूछा गया है कि गम धातु का रूप लेट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए, तो गमेश गच्छस गच्छथा और गच्छत हो जाएगा, ठीक है। गम का हो जाएगा गच्छत गच्छथा गच्छंत हो जाएगा। और अगला हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, 2016 में भी पूछा कि प्रथम पुरुष मैं मध्यम पुरुष वह और उत्तम पुरुष तुम, तो प्रथम पुरुष हो जाएगा हमारा वह, मध्यम पुरुष हो जाएगा तुम और उत्तम पुरुष हो जाएगा मैं। यहाँ पर आप सभी को जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है, और यहाँ से हमें मिलान करना है, तो मैं किसका है? उत्तम पुरुष का, तो उत्तम पुरुष वाले तीर हम यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सुमेलित नहीं दिए गए, नीचे आपको उत्तर में सुमेलित दिया रहेगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को मैं यही बताऊँगा कि आप लोग को अगर याद नहीं हो रहा है ये शब्द रूप, ठीक है, तो आप समझ के याद करिए भाई, याद हो जाएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। कुछ नहीं होता है इसमें से कि एक कविता की तरह आप लोग रट के याद करिए, राजा राजा नो राजाना राजाना राजा नो राजा गया राजा राजा भयम राजा भी राजे राजा भयम राजा भया, ये ऐसे याद करिए एक सीक्वेंस, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और कोई ट्रिक के चक्कर मत पड़िएगा कि हाँ भाई द्वितीय हम विभक्ति पहले याद कर लेंगे उसके बाद सप्तमी पे जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम लग रही हैं तो उसके बाद हम चतुर्थी पे जाएंगे, ऐसे नहीं याद होगा, ठीक है। आप समझ के याद करेंगे, कोई भी इसकी ट्रिक नहीं होती याद करने की, अगर ट्रिक के चक्कर में भी पड़ेंगे तो आपको बहुत सारी ट्रिकें वैसे वो यूट्यूब पर बताई जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो उसको बहुत जल्दी भूल जाएंगे, शायद एग्जाम तक भूल ही जाए, ठीक है। तो अगर इस वजह से आप लोग अगर इसको समझ के याद करते हैं तो बहुत जल्दी याद होगा। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।